मंगल टीका शुक्रवार शाम को डॉक्टर मनोज यादव व नोडल प्रभारी अश्विनी यादव के नेतृत्व में अलवर से मानसूर पहुंचा। मानसूर बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि 760 कोरोना वैक्सीन की डोज मानसूर पहुंचे, जिनको मानसूर सीएससी के वैक्सीन स्टोर में रखवाया गया। इस पर संबंध में हमारे संवाददाता सुनील रागेरा ने बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव व सीएचसी प्रभारी डॉक्टर बीएस मैंसला से बातचीत की है। हमारे पास में यहाँ पे 760 डोजेज आई हैं, जो कल से फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन लगना स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारे 500 सीएचसी पे लगेगा, उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल, अन्य सीएचसी और अन्य पीएचसी पे लगाया जाएगा। इसलिए जब तक कोरोना की वैक्सीनेशन सबका नहीं हो जाए, शानदार साथ के मानसून में हमें 760 डोजेज प्राप्त हो चुकी हैं, जिनका की कोल्ड स्टोरेज में सिक्योरिटी के साथ में संधारण किया गया है। और कल 16 जनवरी को इसका शुभारंभ शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। इसमें प्रथम फेज में केवल ऑनलाइन रजिस्टर्ड चिकित्सा कर्मी अथवा चिकित्सालयों में कार्य करने वाले व्यक्तियों को लगेगा, जिनका की रजिस्ट्रेशन है। इसमें हमने सिस्टमाइज किया हुआ है, टीकाकरण क्षेत्र में लगाने के लिए हमने 3 रूम बनाए हुए हैं। उसमें से प्रथम रूम जो है वो वेटिंग हॉल एवं रजिस्ट्रेशन कक्ष है, जिसमें ये तय करने के बाद में कि फला कोई भी XYZ फला व्यक्ति पहले से ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, साथ में उसकी फोटो आईडी के द्वारा उसका वेरिफिकेशन होने के बाद में ऑनलाइन उसका वेरिफिकेशन होने के बाद में टीका लगेगा। सेकंड कक्ष में टीका लगने के बाद में उसका टाइम नोट कर दिया जाएगा कि इस व्यक्ति को इस समय टीका लगा है। उसके बाद हाफ एन आवर 30 मिनट के लिए उसको ऑब्जर्वेशन कक्ष में यानी निगरानी कक्ष में रखा जाएगा। निगरानी कक्ष में उसको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ यदि होती है तो हमारे पास में एक चिकित्सा टीम है और सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एडवर्स इवेंट यानी कि प्रतिकूल प्रभाव यदि आता है तो उसको भी व्यवस्थित करने के उपचार करने के पास हमारी पूर्ण व्यवस्था है। और हमें स्टैंड बाय रेडी, हमने एम्बुलेंस भी तैयार कर रखी है जो हमारे पास में हमेशा उपलब्ध रहेगी। अभी तक की जानकारी में यह आया है कि इसका कोई ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल प्रभाव देखने को नहीं आया है।